बताओ कैसा लग रहा है तुमको अपना मेकअप करवाने के बाद? अच्छा लग रहा है? यहाँ सीख कर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? जी मैम। मेकअप किस तरीके से किया जाता है, मेकअप का बेस क्या होता है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? आप इधर आओ जरा सा। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता, मैं तुमसे पूछना चाहूँगी मेकअप के ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो मैंने आज शो किए हैं, दिखाए हैं आपको, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स इसके पहले भी आपने देखे हैं? नहीं पता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेकअप प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती हैं लेकिन हमें नहीं पता होता है ना, हमको, आपको, किसी को नहीं पता। लेकिन जबकि आपको जानकारी है कि कौन से मेकअप कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वही मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने का अच्छा एक तरीका पता चला तो मज़ा आता है कि यार हम ये कर सकते हैं, है ना। तो वो मेकअप प्रोडक्ट्स आज पता चलने पे तुमको ऐसा फील हुआ कि नहीं हाँ अच्छा लग रहा है? जैसे कि नहीं पता, किसी सैलून में गए, मेकअप आर्टिस्ट के पास गए, उसने कुछ भी लगा दिया, ठीक, अंदर से मन खराब होता है। अगर मुझे आता होता तो शायद हम कर सकते थे, है ना। उसने अपने मन मुताबिक लगा दिया, लेकिन जबकि अगर आपको आता है तब आप क्या करोगे? बताएंगे उनको, बताएंगे कि मैडम यहाँ पर ये चीज आप लगा सकती हैं, ये मेरे फेस से सूट नहीं कर रहा है, या फिर किसी और का करना है तो उससे 4 पैसे भी कमा सकते हैं, है ना। तो आज का जो मेकअप आर्ट था, जो मेकअप आर्ट मैंने सिखाया है आईज मेकअप का, वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा समझ में आया? जी। बाकी सैलू बाकी मेकअप आर्टिस्ट के कंपैरिजन में, तुलना में तुम्हें कैसा समझाया मैंने? अगर कुछ अच्छा बुरा जो आपके मन में हो बोलना चाहेंगी? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, चलिए, थैंक यू। अगर आई होप आने वाले समय में भी मैं तुम्हें और भी बेस्ट से बेस्ट चीज़ें सिखाऊंगी। बहुत सी ऐसी जानकारी है जो लोगों को नहीं है तो मैं लोगों तक लेके आऊंगी, है ना। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारी इस मुहिम का अनेकों बेटियां हिस्सा बन सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।